नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र दोस्त रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर इंपोर्टेंट वीडियो लाया हूं। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि ये पार्ट टू आईबीपीएस क्लर्क का जो 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसके पार्ट टू की वीडियो है। तो पार्ट वन में मैंने कुछ स्टेट कवर करे हैं और पार्ट टू में जो बचे हुए स्टेट हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है इस चैनल को सक्सेस अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आज तक का रिकॉर्ड है इस चैनल पर, जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनी है, क्या आप पुरानी चेक कर सकते हैं, तो वो सारी ही सही निकली है। क्या आईबीपीएस पीओ प्री की भी देख लें इस साल की 19 की। अब चलते हैं अगले पर, जो स्टेट रह गए थे, ये आ गई आपके सामने एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट राज्य है ये भी। वैकेंसी 2018 में जो थी 325 थी, कट ऑफ जो गई थी 2018 में 71.25 गई थी। अब की बार वैकेंसी कितनी है 440, मतलब 115 वैकेंसी बढ़ी है। तो मेरिट जो रहेगी वो रहेगी इसके बीच में 68 से 72 के बीच में ही रहेगी, जो एक्सपेक्टेड है। 89 थी छत्तीसगढ़ में कट ऑफ का पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी गई थी, लेकिन वैकेंसी जो है आपका 174 है, तो लगभग इसमें भी 70-80 वैकेंसी बढ़ी हैं। तो अब की बार, अब कहने लगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, पहले कम जाती थी कट ऑफ, लेकिन अब क्या है, हर स्टूडेंट छत्तीसगढ़ गुजरात इधर भागता है, तो अब यहाँ भी कट ऑफ बढ़ने लगी है। तो अब की बार जो मुझे उम्मीद है कि 66 से 69 के बीच में छत्तीसगढ़ में कट ऑफ रहेगी। झारखंड 110 वैकेंसी थी 2018 में, 74 मेरिट गई थी। अब की बार वैकेंसी है 141, ज़्यादा अंतर नहीं है वैकेंसी का, तो मेरिट में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा क्योंकि कंपटीशन वही है, क्योंकि बच्चे अब उधर जाने लगे हैं। 70 से 73 मेरिट रहेगी। अब चलते हैं उत्तराखंड, 97 वैकेंसी थी 2018 में, मेरिट गई थी 73.50। अब आप कहने लगोगे यूपी से क्यों कम गई थी, यूपी में थी लगभग 900 वैकेंसी शुरू में। अरे यार, यूपी में अप्लाई भी ज़्यादा होता है, उत्तराखंड में अप्लाई कम होता है, और उत्तराखंड के कुछ बच्चे यूपी गुजरात चले जाते हैं। आपके 117 वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ उतनी ही रहेगी, उसके आसपास ही 71 से 74 के बीच में रहेगी उत्तराखंड वाले। अगर आपके इतने नंबर हैं, इससे प्लस माइनस 2, मतलब आपसे अगर 69 नंबर भी हैं 70 नंबर भी हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। असम 94 वैकेंसी थी 2018 में, मेरिट गई थी 67.25। अब की बार वैकेंसी है 189, अब के मेरिट जाएगी 66 से 69 के बीच में रहेगी, देख लेना असम की अब की बार। और केरला काफ़ी अच्छा स्टेट है, पढ़ने वाला स्टेट माना जाता है। 291 वैकेंसी थी 2018 में, मेरिट गई थी 68.50 प्री की। अब की बार है 349, 66 से 69 के बीच में रहने की उम्मीद है इसकी भी, केरला की। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य, 61 वैकेंसी थी 72.50 मेरिट गई थी 2018 में, अब की बार 63 है, ज़्यादा वैकेंसियों में कोई अंतर नहीं, तो मेरिट में भी अंतर नहीं रहेगा क्योंकि स्टूडेंट वही हैं, 71 से 73 मान लीजिए। गोवा का देखते हैं अब, गोवा स्टेट का, गोवा में मेरिट, गोवा की जो वैकेंसी थी वो 48 थी, अब की बार 67 है, तो उसकी भी कट ऑफ नहीं पता चल पाई है, प्री की पता नहीं चल पा रहा, तो 65 से 67 और नीचे ही रहने की उम्मीद है 67 से, ये मान लीजिए 67 मैक्सिमम है गोवा की, इससे नीचे ही रहेगी क्योंकि वैकेंसी भले ही 67 हो लेकिन वहाँ फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, लैंग्वेज भी है, तो आप मान के चलो 67 मैक्सिमम है, मतलब रहेगी नीचे ही, 65 से भी नीचे रहने की उम्मीद है गोवा, क्योंकि एवरेज जोन में आता है गोवा, लोअर और एवरेज में। सिक्किम में 10 वैकेंसी थी पिछली बार 18 की, तो सिक्किम की कोई वैकेंसी हमें कट ऑफ का नहीं पता चल पाया था, तो 23 वैकेंसी हैं अब की बार, तो इसकी भी लोअर जोन में मान के चलो आप, इसकी भी 67-65 से के आसपास ही रहेगी, इतनी मेरिट रहने वाली है सिक्किम की भी। तो ये मैं कट ऑफ लाया था, अगर आपको मेरी कट ऑफ अच्छी लगे, मैंने पहले पार्ट में कुछ स्टेट कवर करे थे, सेकंड पार्ट में कुछ स्टेट कवर करे हैं, और जो स्टेट रह गए हैं उनमें वैकेंसी किसी में 10 है, मणिपुर मेघालय, उनकी मेरिट भी कम जाती है, और आप बेफिक्र रहें, अगर आपको जिसे भी बच्चे को जो जिन स्टेट के छूट गए हैं वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने स्टेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना यार, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए, करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट आएगा आपके लिए अक्टूबर का जो बच गया था आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं रोबिन सिंह आपके लिए फिर लाइव आऊंगा। थैंक यू।